साथ में है सुधांशु पांडे सर, जो है मुंबई से आए हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में बॉलीवुड के कलाकार मन आवा थे और फिल्म जगत में भी अच्छा खासा नाम बनावा थे। हम सबले पहले हमारे सीजी नरेश और साधन छत्तीसगढ़ में सर के स्वागत करना चाहता हूँ। पहली बार सर आप छत्तीसगढ़ आए हैं, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा प्रेम भाव है यहाँ पे लोगों में। यहाँ की हवा, पानी, खाना पीना, यहाँ का कल्चर, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे एक अंदर से एक प्रेम सा हो गया है छत्तीसगढ़ जी। अभी आप लोग सतरंगा डैम घूम के आए जी, कैसा लगा सर? बहुत ही सुंदर जगह, बहुत सुंदर जगह है। और मैं जब से गया हूँ तब से मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ मेरे मित्रों से, और मेरे भाई जो हैं साथ में, हम लोग सब यही बात कर रहे हैं कि यार इतनी सुंदर जगह कैसे हो सकती है, और हमको पता ही नहीं था आज तक कि इतनी सुंदर जगह यहाँ पे है। जैसे कि बॉलीवुड के जितने भी कलाकार हमारे यहाँ आते सर, वो उनको एक कहना होता है कि जय जोहार जय छत्तीसगढ़, ऐसा आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जय जोहार जय छत्तीसगढ़ जी। अच्छा, फिटनेस के मामले में आप सर बहुत ही फिटनेस हैं, उसके लिए लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आप अपने जीवन में डिसिप्लिन रखिए, क्योंकि डिसिप्लिन से ही हमारा जीवन जो है वो अच्छी तरह से चल सकता है। और अगर स्वस्थ जीवन जीना है उसके लिए भी आपको डिसिप्लिन रखना ही पड़ेगा। अगर आपको किसी भी काम में सफलता चाहिए तो आपको डिसिप्लिन रखना ही चाहिए, रखना ही पड़ेगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है डिसिप्लिन, तो वो आप रखिए और आपको जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त हो। एज ए कलाकार कोई भी अगर कलाकारी के लिए आते हैं या बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, उसके लिए कोई खास संदेश? मेहनत और फोकस, बस ये दो चीज़ें हैं, इनको रखिए तो कहीं ना कहीं आपको इंडस्ट्री में सफलता। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार।